आपको पहले से ही पता लग जाएगा, जो मेल पार्टनर है उनको पहले से ही पता लगता है कि उनका अब होने वाला है। तो जब भी आपका डिस्चार्ज होने वाला हो, कुछ सेकंड पहले आप अपने पेनिस को वजाइना से बाहर निकालिए और अपना डिस्चार्ज आप जैसे फ्रेंड्स, मुझे कई बार आप लोगों के कमेंट मिलते हैं कि मैम बिना कोंडम हम कैसे सेक्स को परफॉर्म करें जिससे हमें प्रेगनेंसी ना हो। काफ़ी सारे कपल ऐसे हैं जो कोंडम्स को यूज़ कर करके थक चुके हैं या फिर वो करना नहीं चाहते हैं, वो इतना इन्जॉय नहीं कर पाते हैं जब वो कोंडम के साथ सेक्स करते हैं। तो उनका बोलना ये है कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करें जिससे हमें प्रेगनेंसी भी ना और हमें कोंडम का भी यूज ना करना पड़े। तो कुछ पॉइंट आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वीडियो आप पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, अगर आप बिना कोंडम के परफॉर्म करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा। कुछ चीज़ों का मतलब आपको अपना टाइमिंग का ध्यान रखना होगा कि आपका मतलब जो डिस्चार्ज का टाइम है ना, एग्जैक्ट टाइम आपको पता होना चाहिए डिस्चार्ज कब होने वाला है, देन आप यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। बिना कोंडम के आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। देखिए क्या होता है, जब दो पार्टनर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो अगर आप विदाउट कोंडम इंटरकोर्स आपने किया है और आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा, जो मेल पार्टनर है उनको पहले से ही पता लगता है कि उनका अब होने वाला है। तो जब भी आपका डिस्चार्ज होने वाला हो, कुछ सेकंड पहले आप अपने पेनिस को वजाइना से बाहर निकालिए और अपना डिस्चार्ज आप जैसे अपनी फीमेल पार्टनर के ऊपर कर सकते हैं या आसपास आप जो भी चीज़ें पहले से लेकर बैठे हैं वहाँ पर आप अपना डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये सबसे सेफ मेथड है और इसमें विदाउट कोंडम भी आप सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको अपना एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए आपके डिस्चार्ज का। अगर आपको पहले से पता हो जाता है कि अब मैं डिस्चार्ज होने वाला हूँ तो आपको उस दौरान तुरंत आपको अपना जो पहनी है उसको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि अगर एक बूंद भी अगर चली जाती है ना अंदर तो एक बूंद भी मतलब काफ़ी है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा हस्बैंड वाइफ को, ठीक है। तो ये सबसे सेफ मेथड है, इसको आप जरूर फॉलो करिए। काफ़ी सारे कपल ऐसे हैं जो इस मेथड से सेक्स करते हैं और वो प्रेगनेंसी से बचे भी रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारी टेबलेट्स आती हैं महिलाओं के लिए जिनको उनको खाना होता है, मतलब पूरे मंथ उनको एक पैकेट आता है जिसमें रोज़ आपको एक टेबलेट खानी है और उसके बाद आप जब चाहें जब सेक्स परफॉर्म कर सकते हैं। इससे भी महिलाएं प्रेगनेंसी से बची रहती हैं। तो ये जो टेबलेट्स है आपको डॉक्टर की देखरेख में लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको बताते हैं ये आपको कब तक लेनी चाहिए, कब तक सेफ है। ऐसा नहीं है कि आप टेबलेट्स को मतलब साल दो साल तीन साल यूज कर रहे हैं, एक दो साल के लिए ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम के लिए टेबलेट्स का यूज करना भी हानिकारक हो सकता है। तो अगर आप लेना चाहते टेबलेट्स तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें एक बार आपको कौन सी टेबलेट लेनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर होता है कोपर टी का, जो महिलाओं के लिए होती है। कोपर टी 15 से 20 मिनट का काम होता है, जो किसी भी डॉक्टर के पास आप जाकर लगवा सकती हैं। महिलाओं को ये लगाई जाती है पीरियड्स के पाँचवें या छठे दिन, आपको जाना होता है डॉक्टर के पास, देन वहाँ पर आपको कोपर टी लगाई जाती है जिससे कि आप अपना प्रेगनेंसी से बच सकें, ठीक है। और ये सेफ है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है कोपर टी लगाने से। मतलब बहुत कम केस ऐसे देखे गए हों जिससे प्रॉब्लम हुई हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हुई हो, लेकिन कोपर टी बिल्कुल सेफ है महिलाओं के लिए। जो लोग बच्चा प्लान नहीं करना चाहता है, फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहता है, अभी वो कोपर टी का यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए। तो ये कुछ तीन चार मेथड थे जो मैंने आपको बताया, इनको आप फॉलो कर सकते हैं आप प्रेगनेंसी से बचने के लिए। और अगर आप कोंडम आप मेल हैं और आप कोंडम यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप फीमेल के लिए फीमेल कोंडम यूज कर सकते हैं, मतलब आपकी फीमेल पार्टनर कोंडम यूज कर सकती हैं। फीमेल्स के लिए भी कोंडम्स आते हैं, ऐसा नहीं कि ओनली मेल ही कोंडम लगाए। अगर आपका मेल पार्टनर कोंडम का यूज नहीं करना चाहता है तो फीमेल को समझना चाहिए, फीमेल कोंडम भी आप लगा सकती हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है फीमेल कोंडम कैसे होते हैं कैसे लगाते हैं, आप जाकर मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं या उस वीडियो का लिंक आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको जरूर दूंगी, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि फीमेल कोंडम कैसे होते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे जिनसे आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं और अपने सेक्स को आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।